नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आशीष सैलक पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के पिछले कई वीडियोस में हमारे ये कमेंट्स बार बार देख कई वीडियोस में हमारे ये कमेंट्स बार बार देखने को मिल रहे हैं। जो बीए और बीएससी का रिजल्ट जो कब तक आने वाले हैं, इस टॉपिक पे आज का वीडियो हमने बनाया है और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपका जो संभावित रिजल्ट है बीए द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का, वो कब तक आने वाला है, और इसके अलावा आपका बीएससी का जो द्वितीय और अंतिम वर्ष का परिणाम कब तक आने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको आज हम बताने वाले हैं। क्या वजह थी इतना जो रिजल्ट आपकी ले आपका लेट हुआ है, ये सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहे आप लोगों तक जानकारी सबसे पहले और बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि जो रेगुलर कोर्सेज में जो बीकॉम का रिजल्ट आपका सबसे पहले घोषित कर दिया गया था, और हमने अपने पिछले वीडियो में जब आपको मेंशन कर रहे थे कि जो रिजल्ट हमारे घोषित होने वाले हैं वो कब आने वाले हैं, तो उसमें हमने बताया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा था कि कौन सा रिजल्ट बीए बीकॉम या बीएससी का पहले आएगा, लेकिन ये बताया था आप लोगों को कि जो संभावित तिथि अगस्त के पहले सप्ताह से आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला फिर अगला फिर अगला, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपके रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि बीए, अब पहले बीए की बात करते हैं। बीए जो ग्रेजुएशन में भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्टेड कोर्स है, इसमें क्योंकि कुछ लोग जॉब भी करते रहते हैं तो इसको कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है भारत में कि कम मेहनत में बीए लोग पास कर लेते हैं, जो कि सच्चाई भी है। तो बीए सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है भारत में, और कानपुर यूनिवर्सिटी तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इसमें रहते हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं बीए में एडमिशन उनके होते हैं। तो बीए में क्या होता है कि आपके प्रैक्टिकल्स और वाइवा भी होते हैं, तो इसमें ये तो सभी में होते हैं, लेकिन जो बीए में है उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इस वजह से इसमें काफी टाइम भी लगता है, मूल्यांकन में भी काफी समय लगता है, इसलिए थोड़ा बीए का रिजल्ट थोड़ा सा आपका डिले हो गया था। तो डोंट वरी, अगस्त के लास्ट तक में, जी हाँ, लास्ट अगस्त तक में आपको बीए का रिजल्ट जरूर आ जाएगा। हो सकता है कि उम्मीद कीजिए कि एक हफ्ते में रिजल्ट जो कि आ जाना चाहिए, उसके अलावा अगर एक हफ्ते में नहीं आता तो अगस्त लास्ट अगस्त तक में आपका जो बीए का जो द्वितीय और तृतीय वर्ष का परिणाम है, स्टेप बाय स्टेप पहले हो सकता है फाइनल ईयर, पहले हो सकता है फाइनल ईयर का ही जारी किया जाए, उसके बाद सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके अलावा अब बात बीएससी की करते हैं कि बीएससी का रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो बीएससी के भी जो आपके प्रैक्टिकल्स थे वो थोड़ा इस बार लेट में किया गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है, लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी काफी तेजी से तैयारी में है, क्योंकि नया सत्र भी उनको अब शुरू करना है और उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, और बीएससी का रिजल्ट भी घोषित करने वाले हैं, और अब जो है अगस्त में ही सभी रिजल्ट वो अपने डिक्लेयर कर देंगे। बीए और बीएससी का रिजल्ट जो है वो अगस्त में ही आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, यानी बीएससी का रिजल्ट हो सकता है वन वीक में आपको देखने को मिल जाए, एक सप्ताह के अंदर अंदर बीएससी का जो रिजल्ट है वो भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपके और कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो अभी आपका 18 और 19 के जो एग्जाम्स आपके थे सार्वजनिक अवकाश के कारण वो डिले हुए हैं, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिएगा। जिन प्रैक्टिकल से जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो चेंज हो गए हैं, 18 वाला 22 अगस्त को कर दिया गया है, और 19 वाला जो एग्जाम था वो 23 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।